देश इस वक्त कोरोना वायरस से लड़ रहा है। भारत सरकार और राज्य सरकारें भी इस मुश्किल वक्त में पूरी ताकत से काम कर रही है। इस पर राजनीति भी खूब हुई। कांग्रेस ने पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा। राहुल गांधी पीएम को कोसते रहे, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम मोदी की तारीफ करते रहे। ऐसे में अब कांग्रेस ने भी अपनी स्ट्रेटजी बदल ली है और अब कांग्रेस पूरी तरह से पीएम मोदी और सीएम योगी के साथ खड़ी है। पहले कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखकर समर्थन का ऐलान किया था और अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कोरोना के खिलाफ जंग के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में प्रियंका गांधी ने कुछ सुझावों के साथ कहा है कि इस लड़ाई में हम सब साथ हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी और उसके कार्यकर्ता कोरोना के खिलाफ जंग में सरकार के सहयोग के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि यह वक्त हम सबके लिए अपने मतभेदों से ऊपर उठकर देश के लिए एकजुट होकर लड़ने का है। हमें खास ध्यान रखना होगा कि इस घड़ी में प्रदेश की जनता, खासकर वंचित और गरीब तबके के लोगों के सामने और गहरा संकट ना खड़ा हो। प्रियंका ने सीएम योगी को सुझाव दिया है कि दिहाड़ी मजदूरों, ठेले पटरी वालों, निर्माण मजदूरों, विधवाओं, विकलांगों आदि के खाने पीने का इंतजाम किया जाए। उन्होंने कहा कि रास्ते में फंसे मजदूरों को भी उनके घर पहुंचाने का काम सुचारू रूप से किया जाए। इसके अलावा उन्होंने चिट्ठी में यह भी लिखा कि स्वास्थ्य कर्मी, सफाई कर्मी, आशा और नर्स ही इस लड़ाई के असली योद्धा हैं। ऐसे में उनके वेतन के साथ साथ उन्हें सुरक्षा के पर्याप्त उपकरण भी उपलब्ध कराए जाएं। बता दें कि जो सुझाव प्रियंका गांधी ने सीएम योगी को दिए हैं, उसे पूरा करने का ऐलान योगी आदित्यनाथ ने पहले ही कर दिए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।